विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, आज हमने करना है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 12 में है। किस आर्टिकल में है? आंसर आर्टिकल 280 में है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या पहला वित्त आयोग कब बना था, तो 1951 में बना था, है ना। और पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, कौन है सचिव? कौन है तो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। सचिव कौन है 16वें वित्त आयोग के? ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। बाकी 4 सदस्य होते हैं उसमें, वो कौन कौन हैं? तो एक आपके श्री अजय नारायण झा जी हैं, ये पहले वाले में भी थे, किसमें 15वें में भी थे, 16वें में भी हैं, श्री अजय नारायण झा हैं। दूसरे नंबर पे एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, तीसरे हैं सौम्यकांति घोष, और चौथे हैं निरंजन राजा राजाध्यक्षा, निरंजन राजाध्यक्षा। ये याद करने हैं सबसे पहले आपने, ठीक है। ये करंट के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी के हिसाब से अलग पड़ते हैं, थोड़ा सा वित्त आयोग को इकोनॉमिक्स के हिसाब से थोड़ा सा अलग पड़ा जाता, होता तो वही है, बस थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन लाया जाता है। तो भाई वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल है इसका 280 है, संविधान के भाग 12 में है, आर्टिकल 280 में, तो संवैधानिक हो गया। जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है उसको संवैधानिकतर बोलते हैं। संवैधानिकतर मतलब संविधान से बाहर किए, है ना, लेकिन यह संवैधानिक है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर, कब? प्रत्येक 5 वर्ष पर। आर्टिकल 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। ये जरूर याद करना चाहिए। दरअसल बच्चे क्या करते हैं, ये ध्यान नहीं करते हैं कि क्यों किया जाता है वित्त आयोग का अध्यक्ष। आपने बोलना केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से। क्या? केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से। ठीक है, जब हम आर्टिकल 280 पढ़ रहे होते हैं बेरेक्ट में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर, दरअसल क्या बोला गया था, 2 वर्ष के भीतर बोला गया था। ठीक है, तो 1951 में ही पहला वित्त आयोग बन गया था, तो ऐसे बोला था उन्होंने कि 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, तो क्या होगा, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 280 में लिखा हुआ। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा आपने ऐसे बोलना है अब, क्योंकि संविधान लागू हुए बहुत समय हो गया, कभी किसी ने पूछ लिया कि क्या लिखा था, तो आपने बोला 2 वर्ष के भीतर लिखा हुआ था, और फिर बोला था कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से, इसमें एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनकी चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? दरअसल आर्टिकल 280 के 2 में ही लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनके चयन किया जाएगा अवधारण करेगी। इसका मतलब अगर शॉर्ट आसान भाषा में अगर हम बोलें कि वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, आयोग के सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा या नियुक्ति कैसे होगी, या आयोग की सदस्यों के लिए जो नियुक्ति के लिए जिस रीति का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा, वो सब अधिकार किसको दिया गया था? संसद को दिया गया था। इतना समझ में आ गया? तो संसद ने प्रयोग किया उस अधिकार का, आर्टिकल 282 का प्रयोग किया, और क्या किया, वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया। वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, ठीक है, जिसे 1955 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, अब इसको ध्यान से रखना भाई, वह व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव, जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो। जब भी आपसे पूछेगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होती है,
तब आपने क्या बोलना है? ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो, इसका मतलब जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी, उन्हें सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव है, इसीलिए वो 16वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, लास्ट के चार जरूर याद कर लेना। जैसे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय एल केलकर थे। कौन थे भाई? विजय एल केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी थे। कौन थे? वाई वी रेड्डी जी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नवल किशोर सिंह जी थे। कौन थे? और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। तो इसका मतलब इन सब लोगों को सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त था। अन्य चार सदस्यों की योग्यता भी संसद ने विहित की कि चार सदस्य कैसे कैसे आएंगे, तो उसमें से जो पहले सदस्य होंगे वो होंगे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके समकक्ष योग्यता रखते हो। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष के अलावा जो चार सदस्य हैं उसमें जो पहला सदस्य होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। हाई कोर्ट बोला मैंने, क्या बोला? हाई कोर्ट बोला मैंने, ठीक है। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। दूसरा सदस्य जो होगा उसे सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो। क्या हो? सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि किसी लाला जी की दुकान में कोई काम कर रहा है वो बोल रहा है कि मुझे जी वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान है, वैसा ज्ञान नहीं। सरकार के फाइनेंस और अकाउंट का पूरा पूरा विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? दूसरा सदस्य बनेगा। तीसरे सदस्य की जो योग्यता होता है वित्तीय मामलों और प्रशासन, वित्तीय मामलों फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यापक अनुभव हो। क्या हो? वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। और चौथा व्यक्ति जो होगा वो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। क्या हो? तो भाई या तो मैं कहता हूँ लॉ कीजिए, क्या कीजिए, या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्या कीजिए। देश में इकोनॉमिक्स जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं उनकी कमी है अभी भी। क्या है कमी का कारण? यह है कि टफ सब्जेक्ट समझकर उसको क्या कर दिया जाता है, नहीं लेते हैं बच्चे जल्दी से अर्थशास्त्र। क्या नहीं लेते? बदलने वाला है ना, आज कुछ है कल कुछ है, तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो ये मान के चलते हैं कि अब क्या फ़ायदा इसे लेके, अभी हमने जो पढ़ा 6 महीने बाद उसने क्या हो जाना, डेटा सारा चेंज हो जाना है। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ेंगे और कब तक पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है भाई, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो अच्छे इकोनॉमिस्ट भी चाहिए हमें। क्या चाहिए? और उसके लिए क्या चाहिए? अध्ययन करने वाले लोग चाहिए ना। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, मैंने बता दिया था आपको। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अब तक भारत में कुल कितने भाई, 16वां वित्त आयोग बन चुका है, तो 16 वित्त आयोग बन चुके हैं, है ना। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अगर बोलेगा कि भाई कब से कब तक रिकमेंडेशन कब से कब तक होंगी, तो 2020 से 2025 तक। कब तक? 2020 से 2025 तक। और अब जो होंगी वो 25 से 30, 5 साल तक रिकमेंडेशन चलती है ना, जो आयोग बोलता है जो रिकमेंडेशन देता है। अब जो एक मेंस का क्वेश्चन बनता है वो बनता है वित्त आयोग के कर्तव्य। क्या बनता है? वित्त आयोग के कर्तव्य, वो आर्टिकल 280 के 3 में दे रखे। बेयर एक्ट अगर आप खोलेंगे तो बेयर एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या करता है आयोग का कर्तव्य क्या होगा। तो भाई वित्त आयोग के कर्तव्य आर्टिकल 280(3) के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे। किसको? राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे। पहली सिफारिश क्या है? अब इसको ध्यान देना आपने, मेंस में ऐसा ही लिखना है, कॉपी पेस्ट करके आओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे तो क्या हो सकता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो थोड़ा पहले किताबी भाषा को पकड़ना सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबी भाषा ही लिखो, लेकिन पहले कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे संघ और राज्यों के बीच, किसके पहला काम क्या है? संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम, करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन यानी एलोकेशन के बारे में। भाई राष्ट्रपति को क्या सिफारिश करेगा आयोग, वित्त आयोग? पहला, संघ और राज्यों के बीच
करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन या एलोकेशन के बारे में। दूसरा क्या करेगा कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान किसको बोलते हैं, ग्रांट्स इन एड, निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। ग्रांट्स इन एड, निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। तीसरा काम जो है राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता भाई, हाँ जी 243 I और 243 Y, है ना। तो राज्य वित्त आयोग, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए, के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन यानी ऑगमेंट के लिए, संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में, ठीक है। चौथा काम क्या करेगा, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में। इन चार चीजों को आपने क्या करना है, लिखना है। कई बार क्या होता है कि शब्द सीमा कम होती है, क्या होती है, अब उसने क्वेश्चन पूछा माना मेंस में कि वित्त आयोग के कर्तव्य, अब आप लगे हुए हो लिखने पे क्या कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 280 में ऐसे लिखते हो कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नहीं। अब आपको तो लगता है कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं हम, और तब तक क्या होता है, वर्ल्ड लिमिट जब लिखना था जो मेन चीज लिखनी थी वो क्या थी, वित्त आयोग के कर्तव्य क्या थे। तो भाई शब्द सीमा का भी ध्यान रखा जाता है मुख्य परीक्षा में, क्या रखा जाता है, तब कुछ नहीं लिखना आपने, कौन सा वित्त आयोग चल रहा, क्या चल रहा, उसने बोला वित्त आयोग के कर्तव्य क्या है, आपने सीधे बोलना 280(3), वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करता है। नंबर एक, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में, ठीक है, जो जो मैंने बताया, भारत की संचित निधि, भारत की यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्य को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड, निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। तीसरा, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। और चौथा, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में। इतना काफ़ी होता है लिखना, समझ में आया, हाँ जी। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। आर्टिकल 281 में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 281 में लिखा हुआ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है भाई योजना आयोग, क्या पढ़ना है, बीते जमाने की बात हो गई, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं। पहले तो किसी जमाने में तो योजना आयोग से एक प्रश्न बनता ही बनता था, अब उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई समझ में आया, और यही थे जो आज इस समय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी, वही नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, क्या थे, छोटी मोटी हस्ती नहीं है पनगड़िया जी, बहुत बड़ी हस्ती है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी पहुँचे वहाँ तक, वहाँ तक कि देश में जब कोई सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हो तो पुस्तकों में आपका नाम भी आए कि भाई इस समय कौन है भाई वित्त आयोग के उपाध्यक्ष, इस समय कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, है ना, या वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे। चलो योजना आयोग, वही प्लानिंग कमीशन 1946 में केसी नियोगी समिति, कौन सी समिति, केसी नियोगी। अब ये केसी नियोगी कौन है, ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, ये कभी समिति के अध्यक्ष भी रहे 1946 में, है ना। इनकी संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन, पहले तो डेट ही पूछता है वो, गठन कब, 15 मार्च 1950, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, दो की डेट याद करना आपने, एक प्लानिंग कमीशन की 15 मार्च 1950, और एक आपने करनी है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC बोलते हैं इसको,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका गठन कब हुआ था? आपने बोलना 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं फिर योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक, क्या ध्यान देना आपने, गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री, दूसरा शब्द क्या याद करना आपने, परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये, तो अब मैंने कहा नहीं कि योजना आयोग अब बीते जमाने की बात हो गई, लेकिन पहले हर पेपर में वन डे से लेकर ऊपर तक दिखता था कि योजना आयोग के पहले, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आंसर प्रधानमंत्री। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जो पहले प्रधानमंत्री थे वही रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ऐसे पूछते थे या ऐसे बोलते थे कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो उस समय वर्तमान में मतलब जब ये प्रश्न पूछा जाता था उस समय जो प्रधानमंत्री होते थे वो होते थे योजना आयोग के अध्यक्ष। समझ में आ गया। तो भाई गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया, आप संविधानेत्तर भी बोल सकते हैं उसको, है संविधानेत्तर निकाय है योजना आयोग, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, या आप इसको गैर सांविधिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भारत में प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग में एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य 3 अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक मतलब जो पूरे समय रहेंगे, अंशकालिक मतलब जो अल्प समय के लिए रहेंगे, अंशकालिक सदस्य होते हैं। ध्यातव्य है कि अब देखो, वित्त, रक्षा तथा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, ये पूछता था भाई पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले तो पहले पहले पूछा उन्होंने अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और लास्ट जो बना योजना आयोग, जब खत्म हुआ, जब इसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया, उस समय कौन थे? तो उस समय मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे? लास्ट जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, और तो फिर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो वर्तमान में यह संस्था इतिहास का विषय हो गया है। लास्ट में मोदी जी भी रहे, मोदी जी भी रहे, योजना आयोग खत्म तो उन्होंने ही किया ना, तो लास्ट जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे योजना आयोग के? नरेंद्र मोदी रहे। कौन रहे? ठीक है, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा कि यार ये बीते जमाने की बात हो गई है, इसको चेंज करना है, इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। क्या है? सहयोगात्मक संघवाद लाना पड़ेगा, राज्यों का सहयोग लेना पड़ेगा शुरू से ही। क्या लेना पड़ेगा? जब योजना बनेगी तो राज्यों का सहयोग पहले ही, ये नहीं कि पहले बना दिया केंद्र ने तब राज्यों से पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से, वो नहीं होना चाहिए। अगला हेडिंग है हमारा नीति आयोग। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1950 के दशक में गठित योजना आयोग अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने, मैंने बोला बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, सहकारी संघवाद। क्या याद, क्या बोल रहा हूं मैं? सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम बनाने, गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुशासन को सक्षम करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव यानी सरकारी संकल्प के तहत यह नई संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। डेट याद करनी पड़ेगी, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015, है ना। मोदी जी आए कब? 14 में आए, एक साल के अंदर ही, एक साल का कुछ ही समय के बाद उन्होंने योजना आयोग को क्या कर दिया? टाटा बाय बाय कर दिया, और उसकी जगह नीति आयोग लाए। सरकार का थिंक टैंक होता है नीति आयोग, है ना। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई यह नई संस्था, इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति नाम दिया गया। इसे आमतौर पर नीति आयोग की संज्ञा से जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक को हिंदी में आप बौद्धिक संस्थान भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी अगर थिंक टैंक लिखेंगे तो चल जाता है, ठीक है। बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। नीति निर्माण करने पर ध्यान देना आपने, नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। यह पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। ये ध्यान रखना कि लिखने से ही सिलेक्शन होना है। किससे? आपकी अपनी भाषा इतनी समृद्ध नहीं है अभी कि आप बोलो कि हाँ हम समझ में आ गया जी हमारे नीति आयोग और हम क्या करेंगे। ध्यान रखना कि कॉपी चेक करने वाले अभ्यस्त होते हैं बहुत अच्छे शब्दों के। किसके? अच्छे शब्दों का प्रयोग जब करता है कोई एस्पिरेंट तो वही टॉपर होता है भाई। क्या होता है, समझ में आया? पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को नीति आयोग का अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। अब देखो ना, पहले नहीं होता था ऐसा, मुख्यमंत्री होते थे, राज्यपाल होते थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद में दिखते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना पर अंतिम मोहर लगाती थी, हाँ जी ठीक है, अब जी क्या बिल्कुल सही है आपकी योजना। लेकिन अभी क्या है कि शुरू से ही राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सबको क्या किया गया, अधिशासी परिषद में शामिल किया गया। इस प्रकार नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी क्या कमियां थी योजना आयोग में कि नीति आयोग के गठन की आवश्यकता पड़ी? अब आपने बताना है कि भाई जो अब नीति आयोग है वह अधिक संघीय है, उसका स्वरूप जो है वो क्या है, योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है अमेरिका स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को पहले नीति आयोग, जब नीति आयोग गठित हुआ था तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष और पूर्व के योजना आयोग के सचिव सिंधुश्री खुल्लर को CEO नियुक्त किया गया था उस टाइम पर जब नीति आयोग बना था, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये बता दीजिए भाई। हाँ जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं, नेट पे सर्च कीजिए। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, ठीक है। और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं या चेंज हो गए हैं? CEO ऑफ नीति आयोग है ना, देखो। हाँ जी, देखो उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ये 100% है। और CEO कौन है? सुब्रमण्यम जी है। फुल पूरा नाम क्या है? नहीं वैसे ही बता दीजिए एब्रीवेट, वी फॉर विक्ट्री, बी फॉर बॉय, बी बी के बाद क्या है, वी, वी फॉर विक्ट्री, बी फॉर बॉय, वी फॉर विक्ट्री, यानी BV सुब्रमण्यम। BV सुब्रमण्यम जी क्या है? हाँ जी CEO है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इसके अतिरिक्त DRDO के पूर्व प्रमुख VK सारस्वत, कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पाल,
अब ये पूर्णकालिक सदस्य निकालिए नीति आयोग के, वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन है भाई? वी के सारस्वत जी हैं, डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं कृषि विशेषज्ञ, और डॉक्टर वी के पॉल हैं। क्या यही पूर्णकालिक सदस्य हैं अभी भी? एक अरविंद बिरमानी भी जी, बिरमानी जी भी हैं, ठीक है, अरविंद बिरमानी जो वी के सारस्वत जी हैं और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है भाई। और पदेन सदस्य कौन है? रक्षा मंत्री होते हैं राजनाथ सिंह जी हैं, है? गृह मंत्री होते हैं अमित शाह जी हैं, वित्त मंत्री होती निर्मला सीतारमण जी हैं, और कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी होते हैं इसमें, कौन है वो? सॉरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है इस समय? बाकी आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने मतलब ये तो करंट के हिसाब से तैयार करना, आपने नीति आयोग में कौन कौन सदस्य हैं, क्या क्या, किन किन को बुलाया गया है, पदेन सदस्य कौन है, विशेष आमंत्रित कौन है, ठीक है। 18 सितंबर 2021 को नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके पदेन सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई है। कितनी? अब योजना राज्य मंत्री को भी पदेन सदस्य में शामिल कर लिया गया है। इसको योजना राज्य मंत्री को भी पदेन सदस्य में शामिल किया गया। विशेष आमंत्रित सदस्य 4, नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल जी थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, श्री अश्वनी वैष्णव, श्री राव इंद्रजीत सिंह, है ना। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या अब 3 हो गई है, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या अब 3 हो गई है। तो ये सब चीज़ें करनी है आपने इसमें, मतलब मेन चीज़ें जो करंट से रिलेटेड होंगी वो जरूर याद करना आपने, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जरूर याद करना है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है वर्तमान में। उसके बाद हमने पढ़ना भी राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या पढ़ना है इसको भी बता देता हूँ मैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 नियोगी समिति, वही केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। ये आज से कई साल पहले पूछ लिया, उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, नीति आयोग नहीं था। उस समय पूछा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष और सदस्य सचिव कौन होता है, तो वही होते हैं अध्यक्ष और सचिव, वही होते हैं जो योजना आयोग के होते थे। तो अब योजना आयोग की जगह पे क्या बोलना है आपने? वही होते हैं जो नीति आयोग के होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के होते हैं। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे। 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए। इनके प्रमुख कार्य पूछता था समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, दूसरा ऐसी सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हो, तीसरा राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना तथा राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना। ध्यान रखना जहाँ पर आप बोर हो रहे हो, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, समझ लो मुख्य परीक्षा में आप वहाँ पर फंसने वाले हो, क्या है वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है, इसलिए इसको याद करते हुए चलिए भाई। पहले अभी याद करोगे तब वहाँ पर जाकर अपनी भाषा बन जाती है, तब तक अभी तो आप शुरुआत में हो तैयारी के, तो अभी शुरू में याद करना पड़ेगा आपको। क्या कि प्रमुख कार्य क्या है? 3 तक बता दिए मैंने कि राष्ट्रीय योजना को निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना और राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना तथा प्रशासनिक दक्षता को सुधारना। चौथा है अल्प विकसित एवं पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजनाओं का सुझाव देना और राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना। राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का
निर्माण करना। पांचवा है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना और विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि अंतिम रूप प्रदान कौन करता है, अंतिम मोहर किसकी लगती है, ओके कौन करता है लास्ट में किसी योजना को। आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजना आयोग द्वारा निर्मित कोई योजना का प्रारूप प्रकाशित होता था। पहले तभी प्रकाशित होता था, अगर इसने अनुमति नहीं दी नहीं हो सकता। यहीं से क्वेश्चन बनता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा बताया आपको, इनको बड़े इंपॉर्टेंट हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। इसके बाद मैंने आपको कराना है संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट्स, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। ठीक है, तो ये मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा।